بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان بالترتيل وأمرنا به كما في التنزيل والصلاة والسلام على رسوله الكريم الذي جفد القرآن بالتجويد وأوصانا بالإتقان والتجديد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم खैरकुमनतामान नाजिन क़िराम और प्यारे बच्चों अलकुम व वर्का एक बार फिर इकरा प्रोग्राम में आपका हम दिल से इस्ताल करते हैं आप जानते हैं कि इकररा का मकसद है पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएँ तो हमारा पिछले जो सबक हो चुके हैं उनमें आप जानते हैं कि हमारा सबक कहाँ तक पहुँचा था आइए अब हम डायरेक्ट अपने सबक की तरफ चलते हैं कि हमारा सबक कल कहाँ तक हुआ था हमारा सबक जो है वो ीन और ीन हो चुका था फ़ा तक हम पहुँचे थे तो अब हम जो हैं फ़ा के बारे में आपको यहाँ से बताना शुरू करते हैं आइए हम फ़ा की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से हम एक मरतबा रिपीट करते हैं अपने सबक तक आप मेरे साथ पढ़िएगा بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء सीन शीन स्वाद वाद, जुआ आइन, आइन, ईन यहाँ तक हमारा सबक हो चुका था और हम बतलाते हैं आइन और गैन दोनों एक शक्ल के हर्फ हैं फ़र्क़ सिर्फ जो है वो नुक्तों का है मैंने आपको बताया था कि और में क्या फ़र्क़ है न और ग़ीन का फर्क सिर्फ नुतों का फ़र्क़ है और थोड़ा सा मखरज का फ़र्क है आन आपको मालूम है कहाँ से निकलता है और ग़ीन कहाँ से निकलता है अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ ग़ीन के आगे जो हमारा आज का सबक़ है आज का सबक़ हमारा यहाँ से शुरू होता है आज के हमारे सबक का पहला हर्फ जो है वह हर्फ है फ़ा बोलिएगा फ़ौर से देखिएगा फ़ा के ऊपर एक नुक़् है क्या है प्यारे बच्चों फ़ा के ऊपर एक नुक़ा है माशाल्लाह बहुत अच्छे फ़ा फ़ा इसके आगे जो है वो है काफ़ फ़ा और काफ़ कुछ कुछ जो है वो मिलते जुलते उनकी शक्लें होती हैं फ़ा और काफ़ में सिर्फ़ ये फ़र्क़ होता है कि फ़ा के ऊपर एक नुक़ होता है और काफ़ के ऊपर दो नुकते होते हैं काफ़ जो है वो बीच से कुछ मुड़ा हुआ होता है और फ़ा बिल्कुल एकदम सीधा होता है आइए मैं आपको फ़ा का मखरज बदला देता हूँ कि फ़ा का मखरज क्या है यानी कि फ़ा के निकलने की जगह क्या है प्यारे बच्चों आपने देखा होगा इंग्लिश में आप जानते हैं एक होता है पी एक होता है एफ़ तो ये जो यहाँ पर फे है यानी कि जो फ़ा है ये यहाँ पर एफ़ का जहाँ हम इंग्लिश में एफ़ लगाते हैं वहाँ पर ये फ़ा काम करता है अब हम आपको फा का मखरज बता देते हैं फा का मखरज है ऊपर के दांतों का किनारा और नीचे के होंठ की तरी वाला हिस्सा यानी कि हमारे ये दो दांत हैं इनको हम नीचे के होंठ के तरी वाले हिस्से के पास लगाएंगे फा फा, माशाल्लाह बहुत अच्छा आप कहिएगा फा हाँ मत कहिएगा दोनों होठों को मिलाकर मत कहिएगा दोनों होठों को अगर मिला देंगे तो फिर हर्फ बदल जाएगा क्योंकि जब हर्फ बदल गया तो इस हर्फ से जो तलफ़ बना है वो ग़लत हो जाएगा मसलन के जैसे कि इसको हर्फ कहा जा रहा है हर्फ का तीसरा जो हर्फ है यानी है रा और फ़ जो है वो यही फ़ा है वो हर्फ है ना के हर्फ हमें हर्फ नहीं कहना फ नहीं कहना हमें कहना है फ़ फा का मखरज मैं आपको फिर बता देता हूं ऊपर के दांतों का किनारा और नीचे के हॉट के तरी वाला हिस्सा हम जब वहां से अदा करेंगे वहां से बड़ी आसानी से बिल्कुल एकदम फा अदा हो जाएगा तो अरबी के अल्फाबेट का फा के बाद जो हर्फ आता है वो हर्फ होता है काफ बोलिएगा यहां से जब गोल होता है इसी तरीके से काफ़ भी फ़ा की तरह ऊपर से गोल होता है इसमें और इसमें यह फ़र्क है कि फ़ा के ऊपर एक नुकता होता है काफ़ के ऊपर दो नुकते होते हैं फ़ा ऊपर से बनने के बाद नीचे को एकदम सीधा चल के मुड़ जाता है बा की तरह और काफ़ जो होता है काफ़ ऊपर से मुड़ करके के चलता है और ये चलता है कुछ नून की तरह वो हर्फ़ आगे आएगा इसके ऊपर दो नुक़े हैं इसको याद रखेगा फ़ा फ़ा के ऊपर एक नुक़ा होता है काफ काफ़ के ऊपर दो नुकते हैं अब मैं आपको काफ़ का मखरज बता देता हूँ कि काफ़ का मखरज क्या है प्यारे बच्चों काफ का मखरज है जबान की जड़ और उसके मुकाबल ऊपर का तालु मैं आपको समझा देता हूँ ये हमारी जबान है हमने आपको पहले बताया ये जबान की नोक होती है ये जबान का बीच होता है और ये जबान की पुश्त है यानी पीठ है और यहाँ पर ये जबान की जड़ है और ये हमारा तालु है यानी कि यह हमारा है यहाँ पर हम अपने इस वाले मखरज क्या है काफ का कि जबान की जड़ और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु यानी कि बिल्कुल एकदम जो जबान की ये जो जड़ है यानी जो गले की तरफ है वहाँ से हम उसको ऊपर लगा देंगे बिल्कुल प्यारे बच्चों बिल्कुल एकदम आसानी से काफ अदा हो जाएगा आप कहिएगा मेरे साथ देखिए लगा करके देखिएगाफ यह हमारी जबान है ये जबान की जड़ है और ये ऊपर का तालू है बिल्कुल एकदम इससे हम चिपका देंगे तो निकल जाएगा काफ काफ़ काफ़ माशाल्लाह एक मरतबा और कहिएगा काफ़ काफ़ पीछे से पढ़ेगा प्यारे बच्चों ये हर्फ है फा 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 इसके बाद अभी जो मैंने आपको मखरज बताया वो है काफ काफ़ 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 का मखरज ज़बान की जड़ उसके मुकाबिल ऊपर का तालू इसके बाद जो काफ़ के बाद हर्फ आ रहा है वो भी इसी की मिथल है यानी कि के, के जिस तरह हम के इंग्लिश में के आता है जे के एल यानी कि जो जे के बाद के आता है और एक उसमें क्यू आता है तो जो हमने अभी काफ़ पढ़ा है फ़ा के बाद वो क्यू का, का काम करता है और जो जे के जे के बाद जो के आता है वो बाद वाले हर्फ यानी कि इस हर्फ के कर काम करता है ये है काफ ये था काफ इसके ऊपर दो नुकते हैं ये है काफ इसके ऊपर कोई नुकता नहीं होता ना इसके नीचे कोई नुकता होता है आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर इसके ऊपर एक हमजा की तरह एक शुशा बना हुआ है यानी कि इसको हम बिल्कुल ऐसे भी सीधा भी कर सकते हैं यानी कि इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं प्यारे बच्चों जब भी ये काफ बन जाएगा अब मैं आपको काफ़ का मखरज बता देता हूँ कि ये वाला काफ कहाँ से अदा होता है प्यारे बच्चों ये वाला काफ जो अदा होता है ये वाला काफ बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले वाले काफ को अदा किया है बिल्कुल वहीं से ये अदा होगा सिर्फ इतना फ़र्क है इसके मखरज में कि जब हम ये वाला काफ़ अदा कर पहले जो हमने काफ़ अदा किया है जब उसके बाद जब हम ये वाला काफ अदा करते हैं तो उसका मकरज क्या था उसका मकरज यह था कि जबान की जड़ यानी जीभ की जड़ उसके मुकाबिल ऊपर का तालू यहां हम जब चिपका देते हैं अपनी जबान को तो निकलता है काफ काफ यानी कि जब हम इसको यहाँ चिपकाएंगे तो यह हमारी आवाज़ एकदम पीछे को सीने की तरफ जाएगी लेकिन जब हम काफ अदा करेंगे जिसके ऊपर कोई नुकता नहीं है उसके ऊपर एक सूसा है जब हम उसको अदा करेंगे तो यह हम अपनी जबान की जड़ बिल्कुल तालु में मिलाएंगे लेकिन यह थोड़ा सा आगे से हम मिलाएंगे आप तो मेरे साथ कहिएगा काफ काफ माशाल्लाह काफ काफ, काफ बिल्कुल एकदम राइट बहुत अच्छे माशाल्लाह कहते रहिएगा आप एक मरतब और रिपीट कीजिएगा काफ 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 बहुत अच्छे प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं यहीं से जहां से हमारा आज का सबक है हम पढ़ते हैं फाफ फा, काफ नहीं बच्चे बोलो काफ माशाल्लाह उसके बाद काफ काफ यानी कि इसमें और इसमें हम आपको बता देते हैं अब आप, आपको अपने हिसाब से हम समझा देते हैं कि इसमें और उसमें क्या फर्क है काफ जो है जब उसको हम अदा करते हैं उसकी आवाज़ एक पीछे की तरफ जाकर के बाहर आती है और इसकी आवाज़ एकदम बिल्कुल बाहर की मुँह की तरफ आती है इसका मकरद यही है कि जबान की जड़ ऊपर का तालू जब हम उसको मिलाएंगे तो इसकी आवाज़ कुछ मुंह की तरफ निकलेगी मुंह की तरफ चलेगी यानी कि काफ काफ बहुत अच्छे अब चलते आइए इससे आइए कौन सा हर आता है ये फा है काफ है ये काफ है इसके बाद जो हर्फ आता है वो हर्फ आता है लाम कौन सा हर्फ आता है प्यारे बच्चों लाम माशाल्लाह, लाम लाम मीम उसके बाद आता है मीम मैं आपको लाम का मखरज बता देता हूँ लेकिन इससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लाम भी काफ ही की तरह है इसमें और इसमें यह फ़र्क है कि इसके ऊपर एक ये आप देख रहे हैं सूसा है और इसके ऊपर ये बिल्कुल खाली है ना इसके ऊपर कुछ है ना इसके नीचे कुछ है अब मैं आपको लाम का मखरज बता दे देता हूँ लाम का मखरज है जबान का किनारा और ऊपर के दांतों का मसूढ़ा देखिए किस तरह यानी कि ये जबान है इस जबान का ये किनारा है ये किनारा हम जो हमारे ऊपर के जो दांत हैं उनमें हम इस किनारे को लगाएंगे तो बिल्कुल आसानी से लाम अदा हो जाएगा लाम लाम ले लाम हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे उसके बाद जो लाम के बाद जो हर्फ है वो है मीम कौन सा हर्फ है लाम के बाद लाम के बाद है प्यारे बच्चों मीम माशाल्लाह बहुत अच्छे क्या हर्फ है मीम हर्फ आता है मीम मीम का जो मखरज आता है प्यारे बच्चों मीम का मखरज होता है दोनों होठों की खुशकी वाला हिस्सा यानी कि मैंने आपको जैसे बताया कि बा का जो मखरज है वो होठों की तरी का हिस्सा होता है बा बा है ना अब मीम का जो मखरज है वो क्या है ये हमारे होंठ हैं इसका जो अंदरली तरफ हिस्सा रहता है वो तर होता है यानी कि गीला रहता है और जो बाहर वाला हिस्सा है वो खुश्क रहता है यानी सूखा रहता है और यही मीम का मखरज है कि दोनों होंठों को हम बिल्कुल बाहर वाले हिस्से से मिला देंगे तो मीम अदा हो जाएगा बोलेगा मेरे साथ मीम 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 माशा बहुत अच्छे अब हम चलते हैं मीम के बाद यहाँ से मैं एक दफ़ा पढ़ लेते हैं फ़ा फा क़ाफ फा, काफ़ 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 लाम लाम मीम 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 के बाद जो हर्फ आता है वो हर्फ है नून कौन सा हर्फ है प्यारे बच्चों वो हर्फ है नून नून को आप देख रहे हैं नून के ऊपर एक नुक्ता है यानी कि एक शोसा है इसके नीचे या आगे पीछे कोई और नुक्ता नहीं है सिर्फ एक नुक्ता है और ये इसके ऊपर है आइए मैं आपको नून का मखरज बता देता हूँ कि नून का मखरज क्या है नून का मखरज है जबान का किनारा और ऊपर के दांतों का मसूड़ है यानी कि जबान का जो किनारा है वो हम ऊपर के दांतों के मसूड़ों से मिलाएंगे तो नून ने अदा हो जाएगा क्या बिल्कुल एकदम नून बिल्कुल आसानी से अदा हो जाएगा देखिए कहिएगा उन उर आन उर् आन जहां पर बाद में नून आ रहा है वहां पर आप नून ने निकाल करके देखिए नून बिल्कुल एकदम हमने जो बताया है जुबान नून का मकरज है जबान का किनारा और ऊपर के दांतों के मसूड़ हैं जब आप वहाँ लगाएंगे बिल्कुल आसानी से नून अदा हो जाएगा उसके बाद का मखरज है नून के बाद है है कौन सा साफ है हा आता है ये देखिएगा आप ये हा है ये कहीं पर इस तरीके से आता है यानी कि दो चश्मे की तरह आता है और कहीं पर ये बिल्कुल गोल आता है यानी कि इसके बीच में ये नहीं होता है प्यारे बच्चों नून के बाद आता है हा हा के ऊपर भी कोई हर्फ कोई हा जो हर्फ है उसके ऊपर भी कोई नुकता नहीं आता है पीछे भी एक हा गुजर चुका है प्यारे बच्चों वो हा था जो हमारे बीच हलक से निकल रहा था और ये हा है ये क्या है ये हा है इसका मकरज जो है इसका मकरज वो है जो हमने जहां से हमने पहले हा को निकाला है यानी हलक के बीच वाले हिस्से से ये हमारा हा जो है ये हमारा हा भी हलक के शुरू वाले हिस्से से यानी कि जो सीने की तरफ हमारा हिस्सा है ये वहां से अदा हो जाएगा आप कहिएगा हा हा माशाल्लाह बहुत अच्छे आराम से अदा हो रहा है हा हा के बाद जो हमारा मखरज आता है वो है वाओ कौन सा मखरज है कौन सा हर्फ है वो वाओ, वाओ क्या है वाओ अब वाव जो ये हर्फ आया है इसका मैं आपको मखरज बता देता हूँ वाव का मखरज है दोनों होटों को गोल करके जब हम वाव को निकालेंगे तो वाव बिल्कुल आसानी से वहाँ से निकल जाएगा देखिए हम बनाते हैं वाव को निकालते हैं वाव लेकिन ये ऐसे आपको महसूस नहीं होगा मैं आपको आऊ जू आऊ देखिएगा प्यारे बच्चों पहला आऊ़ू में अलिफ है उसके बाद आन है उसके बाद वाव है वाव किस अंदाज में अदा हो रहा है आ उ यानी कि वाव जब हम निकालते हैं वाव का मखरज है दोनों होठों की गोलाई को बना करके वाव अदा हो जाता है अब वाव के बाद यहाँ पर आया है या वाव के बाद जो हर्फ है वो है या लेकिन या बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि या से पहले कभी कभी आपने देखा होगा अरबी के अल्फाबेट के अंदर एक हर्फ आता है जिसको हमजा कहा जाता है हमजा मैंने आपको बताया था कि ये अरबी के अल्फाबेट के अंदर जो आप देख रहे हैं ये उनतीस हर्फ हैं ये उनतीस हरूफ हैं अलिफ से लेकर या तक जो ये हरूफ हैं ये उनतीस हरूफ हैं और ये अट्ठाईस हरूफ हैं और इसमें कहीं कहीं पर जो है कुछ लोग उनतीस हरूफ कहते हैं और उसमें एक हरूफ जो है वो हमजा आता है यहाँ पर हमज़ा नहीं दिखाया गया इसलिए हमजा की जो आवाज़ अदा होती है वो बिल्कुल अलिफ़ की तरह अदा होती है जैसे कि हमने कहा आ ओ यानी कि जो पहले अलिफ आ रहा है उसके ऊपर ज़बर है और अगर हम वहाँ से अलिफ़ को हटा के हमजा को बिठा देंगे और उसके ऊपर जबर उसके ऊपर ज़बर देंगे तो तब भी वो आज़ू ही रहेगा इसलिए हमजा और अलिफ बिल्कुल एक तरह होता है हमजा का मखरज भी जहाँ से हाँ निकलता है यानी कि सीने की तरफ वाला हलक का शुरू वाला हिस्सा वहीं से हमजा भी अदा होता है अब हमारा यह हर्फ है या ग़ौर से देखिएगा ये या बना है यहाँ से इस तरीक़े से ये या बना हुआ है इसके नीचे दो नुक्ते हैं प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसके नीचे दो नुक्ते हैं और या का जो मखरज है जबान की बीच का हिस्सा और उसके मुकाबिल ऊपर का तालु जहाँ से हमने जीम अदा किया जहाँ से हमने सीन अदा किया वहीं से या भी एकदम अदा हो जाएगा जो जीम और सीन का मखरज है वही या का मखरज है या का मखरज है जबान का बीच का हिस्सा और उसके मुकाबल ऊपर का तालु ऐसे हम मिलाएंगे या, या। बिल्कुल एकदम बिल्कुल एकदम अदा हो जाता है प्यारे बच्चों अभी हमारे अरबी की अल्फ़ाबेट मुकम्मल हो चुकी है अब हम इसको एक मरतबा शुरू से रिपीट करते हैं देखते हैं आपने इसमें क्या सबक हासिल किया है आप मेरे साथ पढ़िएगा बिस्मिलिफ अलिफ, अलिफ बा बा ता ता सा सा जीम जीम हा हा खा, खा खा दाल 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 रा रा जा जा सीन सीन शीन शीन स्वाद صاد ضاد ضاد طاء طاء زوأ عين عين غين غين فا فا قاف كاف كاف لام 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 मीम 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 नून नून हा हा वाओ वाओ या या माशाल्लाह प्यारे बच्चों अभी आपने अरबी की पूरी अल्फाबेट को पढ़ लिया है और अरबी की पूरी अल्फाबेट आपने पढ़ी है उसके मखरज का भी आपको कुछ कुछ इल्म हो गया होगा हमने पूरी कोशिश की है कि आप इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ें अब इनशाला हम आपको ये बताएंगे कि अरबी के अल्फ़ाबेट तो आप जान चुके हैं और इसके अंदर अरबी के अल्फ़ाबेट जब ये कुरान मजीद के अंदर जब ये हर्फ आते हैं ये किस तरीके से आते हैं और उनकी शक्लें क्या क्या होती हैं इन हम आपको बताएँगे और किस हरफ के ऊपर कौन सा नुकता है और वो क़ुरान में किस अंदाज़ में आता है यानी कि अक्सर जो आप ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये अरबी के अल्फाबेट है कुरान में जब ये आता है तो ये इस अंदाज़ में जो इनके हर्फ जो आप देख रहे हैं ये इस अंदाज में भी आते हैं लेकिन कभी कभी ये आधे आते हैं कभी कभी ये पूरे आते हैं कभी मुकम्मल आ जाते हैं कभी आधे आ जाते हैं तो जब आप इनको मिला कर के पढ़ेंगे यानी कि इसके बाद का जो हमारा सबक है वो है हमारा सबक सबक नंबर यानी कि जो हम आगे पढ़ेंगे अरबी के अल्फ़ाबेट के बाद यानी ये मुफरदात थे यानी के किलाहदा अलीहदा हर्फ उसके बाद जो आएगा वो होगा मुरक्बात यानी के मिले हुए मिले जुले हरफों को मुरबाद कहते हैं यानी मिला कर के पढ़ने को वो कहते हैं वही कुरान पढ़ने का आपका असल बहस होगा उसी के ऊपर आप जो है कुरान को पढ़ पाएंगे इन आप देखते रहिए इसको और इसको रिपीट करते रहिएगा बार बार इसको आप रिपीट जितना भी रिपीट करेंगे इसके मखरज की अदायगी के साथ तो उतना ही आपको ये याद रहेगा और उतना ही आपके लिए ये आसान हो जाएगा आप इसको उठते बैठते चलते फिरते आप इसको रिपीट करते रहिएगा बस ये ख्याल रखिएगा अपने जहन के अंदर कि जिस तरीके से हमने आपको बताया है जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे जहाँ से हर्फ निकलता है जहाँ से उस हर्फ के निकलने की जगह है मखरज है आप उसको वहाँ से निकालते रहिएगा और इनकी शक्लों को एकदम बिल्कुल आप गौर के साथ फ़िक्र के साथ तवज्जे के साथ आप इनको देखते रहिएगा और अपने घर में जा कर के आप कायदा ले कर के आप पढ़ते रहिएगा अलीफ से लेकर के यहाँ तक जब आप बिल्कुल इसको रिपीट कर लेंगे इसको याद कर लेंगे बार बार रिपीट करके क्यािफ़ अलिफ कैसा होता है बा बा कैसा होता है ता ता कैसा होता है सा सा कैसा होता है यानी कि बा ता सा ये हर्फ तीनों एक शक्ल के होते हैं लेकिन इनमें ख़ास फ़र्क क्या है इनमें ख़ास फ़र्क ये होता है जैसे कि नुक्तों का फ़र्क होता है बा के नीचे एक नुक्ता होता है ता के ऊपर दो नुक्ते होते हैं सा के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं इन अभी हम आपको फिर दोबारा से जब बताएंगे तो हम अगले सबक में आपको यही बताएंगे के किस हर्फ के ऊपर कितने नुक्ते हैं और पूरी अरबी के अल्फाबेट के अंदर जो बा बार्फ है बा के नीचे एक नुक्ता है उस तरह के हर्फ कितने आए हैं जिन हर्फों के नीचे एक नुक्ता है और ऐसे कितने हर्फ हैं जिनके ऊपर एक नुक्ता है या जितने जिनके ऊपर दो नुक्ते हैं या तीन नुक्ते हैं या ऐसे कौन से हर्फ हैं जिसके नीचे नुक्ते होते हैं प्यारे बच्चों आप इसको देखते रहिएगा इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी जब तक के लिए आप देखते रहिएगा चैनल विन فينا هاب ساك سبق سبك ساعات ملاقات هوكي جبتك اللي محمد عباس صابري بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم